इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप गूगल न्यूज का अप्रूवल ले सकते हो। वैसे तो गूगल न्यूज का अप्रूवल लेना काफ़ी आसान है, लेकिन लोगों को प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे वो इजीली गूगल न्यूज का अप्रूवल ले सकते हैं। देखो, गूगल न्यूज का अप्रूवल लेने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि एक तो आपको हाई ट्रैफिक मिलता है गूगल न्यूज की तरफ से जब भी आपके पोस्ट गूगल न्यूज में जाते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप गूगल न्यूज का यहाँ पे अप्रूवल ले लेते हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपके आर्टिकल लिखते ही वो इंडेक्स हो जाए गूगल में। तो मेन रीजन ये है गूगल न्यूज का अप्रूवल लेने का कि वो फटाफट इंडेक्स होते हैं, जो भी आप पोस्ट लिखोगे वो फटाफट इंडेक्स होंगे, और साथ ही साथ जब भी आप आर्टिकल लिखते हो तो अगर वो गूगल न्यूज में चला जाता है तो आपको यहाँ पे मिलियंस में ट्रैफिक देके जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक मिलने वाली जो बात है वो तभी आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा जब आप रेगुलर काम करोगे, आपकी साइट पे भर भर के आर्टिकल डेली के डेली पब्लिश होते रहेंगे, तभी आपको गूगल न्यूज से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल को इंडेक्स करना है तो भी आप गूगल न्यूज का अप्रूवल ले सकते हो, और गूगल न्यूज का अप्रूवल ऐसा नहीं है कि केवल न्यूज साइट ही ले सकती है, गूगल न्यूज का अप्रूवल एक जनरल ब्लॉग भी ले सकता है। तो कैसे आप अपने वेबसाइट के लिए गूगल न्यूज का अप्रूवल लोगे वो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी, ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोग न्यूज वेबसाइट बनाकर और उस पर गूगल न्यूज का अप्रूवल लेके लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको न्यूज वेबसाइट बनाना नहीं आता है कैसे न्यूज वेबसाइट बनाते हैं, तो मैंने इस पर एक यहाँ पे वीडियो बना दिया है कि न्यूज वेबसाइट आप बना सकते हो और गूगल डिस्कवर का इस्तेमाल करके आप $1,000 मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको न्यूज ब्लॉग बनाना है और ये न्यूज ब्लॉग आप बनाना सीख सकते हो। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो को देखने के बाद उसके बाद आपको गूगल न्यूज का अप्रूवल भी ले लेना है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि ये पार्ट वन वीडियो था, और ये जो है गूगल न्यूज का अप्रूवल लेना ये पार्ट टू वीडियो है। इस तरह से भी आप ले सकते हो, लेकिन आप किसी भी ब्लॉग पे गूगल न्यूज का अप्रूवल लो, जरूरी नहीं है कि वो न्यूज वेबसाइट ही हो। तो अभी देखते हैं कि कैसे न्यूज अप्रूवल लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, दो लोगो होना चाहिए, एक रेक्टेंगुलर होना चाहिए और एक यहाँ पे वर्गाकार होना चाहिए, ठीक है, जैसे 512x512 पिक्सल का या 150x150 पिक्सल का, इस तरह का होना चाहिए। तो दो लोगो मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो अभी देखो, अब आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे बेसिकली एक नए टैब में, और यहाँ पे आपको लिखना है गूगल पब्लिशर सेंटर। तो हम लिख देते हैं गूगल पब्लिशर सेंटर, ठीक है, यहाँ पे देखिए गूगल पब्लिशर सेंटर, हमने गूगल पब्लिशर सेंटर यहाँ पे सर्च कर दिया। और देखिए, आपको इस पहले साइट पर जाना है, गूगल का ये ऑफिशियल है publishercenter.google.com, तो इस पे हमें विजिट कर लेना है। और इस पे विजिट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे गूगल न्यूज का अप्रूवल मिला हुआ है एक साइट पर, और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो किया था तो वो वीडियो पुराना हो चुका है। तो अभी मैं नया आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पे द हिंदी बायोग्राफी जो हमारी साइट थी, हमारा ब्लॉग था, उस पर देखो गूगल यहाँ पे लाइव है गूगल न्यूज, और 11 फॉलोअर्स भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो बेसिकली ये देखो, यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है कैसे अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस साइट के लिए अप्रूवल लेने वाला हूँ, bloggingskill.com, ये हमारा एक ब्लॉगिंग साइट है, और इस पे मैं अभी देखिए अप्रूवल लेके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ले सकते हो अप्रूवल। तो देखो, गूगल पब्लिशर सेंटर में आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। तो नीचे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड एनदर पब्लिकेशन। अगर आप किसी जीमेल से आपने ऑलरेडी कोई पब्लिशर पे यहाँ पे अप्रूवल लिया है, तो बेसिकली आपको ऐड न्यू का, ऐड एनदर पब्लिकेशन का, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। और आपने अभी लिया ही नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे, जैसे आप लॉगिन करोगे अपने जीमेल आईडी से, देखो पब्लिशर सेंटर में आने के बाद अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लो, जिससे आपका सर्च कंसोल बना हुआ है। अगर सर्च कंसोल उससे बना हुआ है तभी आपको प्रॉपरली अप्रूवल मिलेगा और आप प्रॉपरली अप्लाई भी कर पाओगे। तो जिस जीमेल से आप सर्च यहाँ पे सर्च कंसोल बनाए हो, उसी से आपको पब्लिशर सेंटर भी बनाना है, और उसमें आपकी साइट सर्च कंसोल में सबमिट होनी चाहिए। तो अब हम देखो ऐड एनदर पब्लिकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और उसके अलावा जैसे यहाँ पे द हिंदी बायोग्राफी पे यहाँ पे हमें मिला हुआ है अप्रूवल, तो यहाँ पे देखो एरो है, इस एरो पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो जो आपका यहाँ पे अप्रूवल रहेगा जिस जिस पब्लिकेशन पर, वो भी दिखेगा।
और यहाँ से देखो अदर पब्लिकेशन है तो इस पर प्लस बटन पे क्लिक करके भी आप जो है नया पब्लिकेशन ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए ऐड एन अदर पब्लिकेशन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको अपने पब्लिकेशंस का यूआरएल देना है। तो यहाँ पे bloggingskill.com है, तो चलिए हम यहाँ पे अपने साइट का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको यूआरएल पेस्ट कर देना है और ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही ऐड पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये आ जाएगा और यहाँ पे पब्लिकेशन का आप नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं लिख देता हूँ ब्लॉगिंग स्किल, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, आप पूरा बने रहिए वीडियो के साथ। लोकेशन क्या होगा हमारा, लोकेशन इंडिया होगा, ठीक है। तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। लैंग्वेज यहाँ पे मेरे साइट का लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, तो मैं हिंदी ही रखूँगा, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज में ब्लॉगिंग कर रहे हो वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये चेक मार्क लगाना है और ऐड पब्लिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अभी देखो यहाँ पे बोला जा रहा है वेरीफाई वगैरह करने के लिए, तो यहाँ पे डू दिस लेटर पे आपको क्लिक कर देना है, मैं बाद में कर लूँगा। डू दिस लेटर पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ ध्यान दें, जिस जीमेल से आप कनेक्ट करोगे ना वो जीमेल आप यहाँ पे ओपन कर लोगे। तो चलिए मैं फटाफट जीमेल ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना एक जीमेल ओपन कर लिया है। इसी जीमेल पे हमें कुछ बेसिकली यहाँ पे वो पूछता है कॉन्टैक्ट ऑप्शन अपना डालिए, तो इस जीमेल को जब आप डालते हो तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए लिंक आता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जीमेल ओपन किया है। अब आते हैं अपने पब्लिशर सेंटर में और पब्लिशर सेंटर में देखिए कुछ इस तरह का अब आपको सामने दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए गूगल न्यूज लिखा रहेगा और यहाँ पे नॉट स्टार्टेड लिखा है, तो इसे हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट का बटन है, इस एडिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, ऐड लोगो। यहाँ पे देखिए योर पब्लिकेशन रिक्वायर्स अ लोगो, तो ऐड लोगो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऐड स्क्वायर लोगो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं यहाँ लोगो जो है अपलोड हो रहा है, यहाँ पे द फाइल इज बीइंग अपलोडेड। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा लोगो लग गया। अब यहाँ पे स्क्वायर लोगो लगने के बाद यहाँ पे बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर लोगो भी आप लगाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइट लगाते हैं, लाइट लोगो रेक्टेंगुलर का। तो ये हमारा ये रहा लोगो और ये भी देखिए यहाँ पे हमारा अपलोड हो रहा है। और अभी थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपलोड होने में, तो आप पेशेंस के साथ देखिए और आपको भी अप्रूवल मिलेगा, ठीक है, गूगल न्यूज़ का अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ पे डार्क थीम लोगो हम लगाएंगे और डार्क थीम लोगो में हम यही लोगो सिलेक्ट करेंगे। अभी ये देखिएगा डार्क थीम रहेगा और ये भी देखिए अभी अपलोड हो जाएगा। तो आप देखो ये लोगो इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डार्क थीम लोगो भी आ गया। अब नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सेव बटन दिख रहा है, सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए बहुत से चीज़ें होती हैं जो लोग गलती करते हैं गूगल न्यूज़ के अप्रूवल के दौरान। तो ये सेव हो गया। अब हमें जाना है यहाँ पे देखिए जनरल का ऑप्शन है, जनरल के ऑप्शन पे देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारा सब कुछ हो गया है, नाम हिंदी, ठीक है, ये वेरीफाइड है, देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में हमारी साइट है तो यहाँ पे वेरीफाइड आ रहा है, ठीक है, वेरीफाइड है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट ऑप्शन आ रहा है, तो इस कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे हम न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट ऑप्शन डालना है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना जो भी जो जीमेल हमने ओपन किया वो डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डाल दी, ठीक है। जीमेल आईडी डालने के बाद ये टेक्निकल और प्रोडक्ट अपडेट्स पे हम क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। और ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए ये अनवेरीफाइड दिखा रहा है, लेकिन जब आप सेव कर लोगे ना यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, ठीक है। अब देखिए हमने सेव कर लिया और सेव करने के बाद आपके जीमेल पे दो ईमेल आएंगे, ठीक है। तो हमें वेट करना है उन दो जीमेल का, देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके हम यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पे नहीं आया हुआ है, थोड़ा सा ये समय लेता है, तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, दो जीमेल आ जाएंगे यहाँ पे। अभी तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आया नहीं है, तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए अब आपको जाना है विजुअल में, विजुअल में हमारा सब कुछ सेट हो चुका है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स है, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में मेरा यहाँ पे नाम है नीरज यादव क्रिएटर, तो ये मैं दे दूंगा और सेव कर लूँगा। आप भी कुछ भी नाम दे सकते हो ऑर्गेनाइजेशन नेम में, ठीक है। तो और यूजर परमिशन में आपको कुछ करना नहीं है, जो जैसे है वैसे रहने देना है।
अब हमें करना क्या है, अब एक बार पब्लिकेशन सेटिंग्स में आते हैं। ओके, ईमेल आने तक हम वेट करेंगे और अभी फिलहाल हम थोड़ा आगे का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेते हैं। ईमेल आता रहेगा, वो उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आगे के वर्क हैं, तो अभी मैं आगे का वर्क करता हूँ, तो अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए पब्लिशर सेंटर लिखा हुआ है, इस पब्लिशर सेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो गूगल न्यूज है और इसे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इस ओपन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है और बहुत सारे सेक्शन ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम फिर से एडिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए पब्लिकेशन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, तो हमारा कैटेगरी क्या है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें मैं यहाँ पे देख लेते हैं हमारा क्या कैटेगरी हो सकता है, तो जो भी न्यूज पॉलिटिक्स जो भी आपका हो वो सिलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या हो सकता है, तो बेसिकली यहाँ पे हम न्यूज और पॉलिटिक्स ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें ब्लॉग्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे की तरफ आएंगे तो ये वर्ल्ड वाइड ही रहेगा और ये गूगल प्रॉपर्टीज अलाउ ही रहने देना है। और यहाँ पे देखिए सेव बटन है, सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन के लिए कुछ बोल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। यहाँ सेक्शन में आपको न्यू सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये फीड URL आपको सिलेक्ट करना होगा, इसमें डालना होगा। फीड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल दे देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉगिंग स्किल, ठीक है, RSS, ठीक है, ब्लॉगिंग स्किल RSS लिख देते हैं। और यहाँ पे आपको फीड URL देना है, तो जब भी WordPress पे ब्लॉगिंग करते हो तो यहाँ पे स्लैश लगा के RSS लगाना है, ठीक है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे RSS हमने लिख दिया URL में और इंटर कर देना है। जब आप इंटर कर दोगे ना तो जो फीड URL होगा वो आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं ये फीड URL आ जाएगा और इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जस्ट आपको आना है और यहाँ पे भी ये जो URL कॉपी किया आपने पेस्ट कर देना है। एक्सेस में एनीवन रहेगा जैसे देख सकते हैं, और यहाँ पे ऐड बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब नीचे की तरफ आते हैं और इसे सेव करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सेव करने के बाद इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा देखिए रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है नीचे वाले में, प्लीज़ रिव्यू और टर्म्स ऑफ सर्विस, तो रिव्यू पे क्लिक करिए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक मार्क लगाना है, यहाँ पे अपना नाम दे देना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, नीरज यादव हम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट ईमेल डालना है, तो कॉन्टैक्ट ईमेल मैंने आपको बताया जिस पे आपका मेल आता है, ठीक है, तो हम डाल देते हैं कॉन्टैक्ट ईमेल। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट ईमेल पड़ गया। अब आपको यहाँ पे टाइटल देना है, तो आप कौन हैं, तो हम यहाँ पे राइटर हैं और एडमिन हैं, राइटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे हम लिख देंगे नीरज यादव क्रिएटर ही लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक मार्क लगाने के बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, रिव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा अब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे बाकी नहीं है, तो रिव्यू एंड पब्लिश में करते हैं। तो अभी देखिए ये रिव्यू में दिखा रहा है, तो आपको बेसिकली क्या कर लेना है, एक बार रिफ्रेश कर लेना है, थोड़ा सा वेट करके करिएगा, पेशेंस रख के, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अब रिव्यू पे क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, इधर उधर थोड़ा सा आप चला लीजिए कर्सर माउस ताकि ये आपका दिख जाए, ठीक है। अभी देख सकते हैं 1 empty सेक्शन दिखा रहा है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। थोड़ा हम ईमेल चेक कर लेते हैं, हमें ईमेल मिल चुका है क्या, तो बेसिकली अभी तो ईमेल नहीं आया, लेकिन यहाँ पे आप देखिए रिव्यू एंड पब्लिश का ऑप्शन आ चुका है। तो पब्लिश करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ईमेल किस टाइप का आता है, मैंने थोड़ा सा वेट करना होता है, और ईमेल कैसा आता है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जीमेल है और यहाँ पे एक ईमेल आता है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, जो कि आपको मिलेगा प्रोडक्ट अपडेट से रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे ईमेल करेगा। और दूसरा जो ईमेल है वो दिखा देता हूँ, वो ईमेल है टेक्निकल इशू से रिलेटेड। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन के लिए आता है और इसका ईमेल वगैरह आपको मिलेगा
तो बेसिकली इस तरह से आएगा और इस लिंक पे क्लिक करके आप सिंपली साइन अप हो जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए अब हमारा पब्लिश का बटन आ चुका है। आप रिफ्रेश वगैरह थोड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा पब्लिश का बटन। ठीक है, तो इसे पब्लिश कर देते हैं। और पब्लिश करने के बाद अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कुछ टाइम लगेगा और ये अप्रूवल दे देगा। गॉट इट पे क्लिक करते हैं और देखिए इन रिव्यू ये चला गया है। अब आपको वेट करना है, 24 आवर्स मैक्सिमम लगता है और कभी कभी केस में 7 दिन भी लग जाते हैं। तो आपको वेट करना है और कुछ ही टाइम बाद देखोगे यहाँ पे लाइव आ जाएगा। अगर यहाँ पे लाइव आ जाता है तो आप समझ जाओ कि हमारा गूगल न्यूज अप्रूव हो चुका है। तो इस तरह से प्रॉपरली आप गूगल पब्लिशर सेंटर में आप अपनी साइट को सबमिट कर सकते हो और गूगल न्यूज का अप्रूवल ले सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, अपने ब्लॉग को ग्रो करो। धन्यवाद।